हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा एक और एक न्यू अपडेट के बारे में। CUET के जिन लोगों ने आवेदन किया था PG के लिए, यहाँ पे जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है। किस तरीके से आपको रिजल्ट चेकआउट करना है, क्या प्रोसेस है, यहाँ पे जो है किस तरीके से आपको कट ऑफ देखना है, लिस्ट कहाँ से मिलेगी, सारी चीज़ यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो। चलते हम लोग सीधा ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, डाउनलोड एडमिट कार्ड वाली यहाँ पे वेबसाइट है। ठीक है, रिजल्ट आपको किस तरह से चेकआउट करना है यहाँ पे ही आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ किस तरह से आपको चेकआउट कर लेना है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे एक PDF जारी किया हुआ है 13 अप्रैल को, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे जो है PGs के लिए, ये आप देख पाएंगे क्या बोला गया है यहाँ पे। इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग PDF देख लेते हैं किस तरह से आपको यहाँ पे जो है आपका इसमें रिजल्ट चेकआउट करना है। तो वो आप देख सकते हैं फाइनल आंसर की यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, CUET PG की, ठीक है, एग्जाम शिफ्ट 2 की, ये आप देख सकते हैं। टोटल आपको यहाँ पे जो है क्वेश्चन आईडी देखने को मिल जाएगी, उसके बाद करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आईडी, इस तरीके से यहाँ पे जो पूरी आईडी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसको आपको पूरा ही यहाँ पे 157 पेजेस का ये PDF जारी किया गया हुआ है। अब यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट से आपको किस तरह से रिजल्ट चेकआउट करना है वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पे जो ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन। ठीक है, इस तरह से आपको एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डाल देना है, कैप्चा डाल देना है, लॉगिन कर लेना है, आप यहाँ पे अपनी आईडी में आ जाएंगे। वहाँ से आप सारी चीज़ यहाँ पे चेकआउट कर पाएंगे। बहुत सिंपल प्रोसेस है, किसी भी तरह की कोई यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो रिजल्ट फाइनली जारी कर दिया गया हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अभी अगर आपको कोई डाउट से कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इस PDF के लिंक में जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जो है आप इसमें चेकआउट कर पाएंगे। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर जो इस तरीके से रिजल्ट जारी कर दिया गया, अब किस से लोग का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, किसको यहाँ पे क्या यूनिवर्सिटी मिली है, वो किस तरीके से पता चलेगा। तो अभी यहाँ पे जो है आपको थोड़ा और वेट करना होगा, बाद में सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो मार्च में आपके एग्जाम थे और फाइनली यहाँ पे जो है इस तरीके से यहाँ पे जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें आंसर की यहाँ पे जो है ऑफ CUET PG की यहाँ पर जो जारी कर दी गई है फ्रेंड, जिसमें यहाँ पे आप बिल्कुल सिंपल तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है अब इस बारे में बात कर लीजिए, जो कल यहाँ पे जारी किया गया हुआ है, ये आप देख सकते हैं 17 पेज का यहाँ पे जो PDF जारी किया गया हुआ है। ठीक है, जो कि आपके यहाँ पे एग्जाम कब कराए गए थे वो डिटेल्स यहाँ पर दी गई हुई है। 9 सिटीज यहाँ पे दिया गया हुआ है, प्लस यहाँ पे जो है 2024 के लिए यहाँ पे सारी चीज़ यहाँ पे जो है इन लोगों ने बताई गई हुई है। तो इस PDF में यहाँ पे सारी चीज़ देख पाएंगे, कितने लोगों ने यहाँ पे जो इसमें अप्लाई किया था, कितने लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेंट कैंडिडेट्स विद रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद हाइएस्ट और CUET 2024 के आपको डिटेल्स देखने को मिल जाती है। पूरा है यहाँ पर जो है आपका पैरामीटर्स दिया गया हुआ है, ये सारी चीज़ देख सकते हैं। कौन सी कैटेगरी वाले ने यहाँ पे जो है CUET PG 2024 के लिए आवेदन किया है, कौन कौन सी कैटेगरी है, SC ST कैंडिडेट्स, OBC के लिए, टोटल यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं नंबर्स, प्लस यहाँ पे टेस्ट पेपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स और एपीएड कैंडिडेट्स यहाँ पे आपको जो है दोनों ही कॉलम में देखने को मिल जाएंगे। टेस्ट पेपर देख सकते हैं कौन कौन से यहाँ पर हुए थे, जिसमें आप BEd, उसके बाद यहाँ पे LLB, MA, योगा, स्पोर्ट, फिजिकल एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, इस तरीके से यहाँ पे जो है आप लोगों को टेस्ट पेपर देखने को मिल जाएंगे। तो अलग अलग यहाँ पे जो कितने लोगों ने यहाँ पे जो है एग्जाम दिए थे वो सारी चीज़ यहाँ पे दिया गया है, जिसको यहाँ पे PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे यूनिवर्सिटी के नाम भी दिए गए हैं, जिसके लिए यहाँ पे जो है आपने सेलेक्ट किया था वो चीज़ें यहाँ पर दी गई हुई है। लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी फॉर UET PG 2024 के लिए। तो ये सारी न्यू अपडेट थी जो कि मैंने आपको शेयर कर दी है। बाकी यहाँ पे अगर इस बारे में कोई न्यू अपडेट आती है या कुछ पता चलता है तो आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, उन लोग को वीडियो शेयर कीजिएगा जिन लोगों को इस बारे में पता नहीं है फ्रेंड। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।